हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से आप सभी का आज की सुबडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की सुबडियो में आप सभी कन्या राशि के लोगों को जातकों को बताना चाहेंगे कि आज के दिन के आप लोगों के शाम का समय केतु भाव कैसा रहेगा, आज की सुबह किस प्रकार की घटनाओं के साथ आप लोगों का दिन व्यतीत होगा, तो तमाम ऐसी समस्याओं का निदान होगा, तो तमाम कुछ खुशियाँ आप सभी कन्या राशि के लोगों के जीवन पर किस प्रकार हो सकते हैं, आज आप लोगों के जीवन पर चमत्कारिक योगों का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, तो तमाम समस्याओं का निर्माण किस प्रकार हो सकता है, दूसरों के कहने पर किस प्रकार आप चलने वाले हैं, आज के दिन के सुबह का समय किस प्रकार आप लोगों के जीवन में काफ़ी बढ़िया हो सकता है, तो तमाम कुछ खुशियां आप लोगों के जीवन पर किस प्रकार आने का कार्य अवश्य होगा, तो कुछ बड़ी घटनाएँ का संचार आप लोगों के जीवन पर किस प्रकार हो सकते हैं, आज आप सभी को बताएँगे कि ऐसा होगा किस प्रकार खुशियाँ मिलेंगी, कैसे कुछ घटनाएं आप लोगों के जीवन पर घट सकती हैं। तो आज आप लोगों के लिए आज के दिन का व्यापार व्यवसाय करियर लाइफ आप सभी का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकती हैं, तो आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, भाग्य का साथ और किस्मत का सपोर्ट किस प्रकार मिल सकता है, आज आप लोगों के जीवन में किस प्रकार खुशियाँ आनी हैं, आप लोगों के जीवन से किस प्रकार लाभकारी परियोजनाओं को बनाना भी आप सभी के लिए किस प्रकार से शुभ और बेहतर हो सकते हैं, तो आज आपको बताएंगे कौन सा महत्वपूर्ण काम काज को अंतिम रूप तक देना पड़ सकता है, तो किस प्रकार से आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, तो आपकी आर्थिक तंगी भी किस प्रकार से खत्म हो सकते हैं, तो किस प्रकार से विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्ति हो सकते हैं, तो आपको बताएंगे सुबडियो में आप सभी कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसे में ऐसी बड़ियों को पूरे से पूरा अवश्य देखें ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आप सभी को छुटकारा मिलने के साथ साथ आपके जीवन में प्रसिद्धों से आप लोगों को मुक्ति की प्राप्ति हो सकेंगे। तो लगातार हमारे साथ बड़ियों के अंत तक जरूर आप सभी बने रहें। उससे पहले बड़ियों को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दें। दोस्तों, आज का दिन काफ़ी बढ़िया है और आप सभी को जीवन में कई सारे नकारात्मक रूप से मनोभावों को कद्र करने के संभावनाएं बढ़ने का कार्य हो सकता है, तो तमाम खुशियां आप सभी के जीवन पर आने का कार्य हो सकता है। आप सभी को बता दें दोस्तों, दूसरों की खराब नियत रखना, दूसरों के लिए खराब नियत रखना मानसिक तनाव को जन्म दे सकता है। यह समय विचारों से बचें क्योंकि यह समय की बर्बादी करते हैं, आपकी क्षमताओं को खत्म करते हैं, आर्थिक समस्याओं से रचनात्मक तो सोचने की आपकी क्षमता को विकार करते हैं। आज ना सिर्फ अजनबियों से बल्कि दोस्तों भी सावधान रहने की जरूरत रहेगी। जी हाँ, प्यारे के नज़रिए से दिन बेहद ही खास रहेगा। ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए आप एकांत एकांकी हैं। जी हाँ, सहकर्मी सहयोगी मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बदलाव लाएं जो आपके रूप रंग में निखार ला सके, संभावित साथियों को आपकी ओर आकर्षित करें। विवाह के बाद कई सारी बातें जरूरत से आगे बढ़ने का अनिवार्य हो जाती हैं। आज ऐसे ही बातें आप लोगों को व्यस्त भी रखेंगे, जीवन में खुशियां भी रखेंगे। अपने जीवन साथी के मामलों में गैर जरूरी टांग अड़ाने से बचे हैं। अपने काम से काम रखना बेहतर होगा, कम से कम दखल दें, नहीं तो इनसे निर्भरताएं बढ़ सकती हैं। नया आर्थिक करार अंतिम रूप लेगा, धन आपकी तरफ आएगा। उस रिश्तेदारों को देखने जाएं जिसकी तबीयत काफ़ी समय से खराब है। आज आपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह से खिलेगा। दफ्तर में आपके दुश्मन भी आज आपके दोस्त बन जाएंगे। आपके सिर्फ एक छोटे से कच्चे काम की बदौलत दूसरों को राजी करने की आपकी प्रतिभा आपको काफ़ी फायदा पहुँचाएंगी। आज आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर से प्यार होने वाला है और जीवन में कुछ खुशियाँ आने वाली हैं। बच्चे आपकी शाम को खुशी की चमक लाएंगे। थकाव उबाऊ दिन को अलविदा कहने के लिए एक बढ़िया डिनर की योजना बनाइए, उनका साथ आपके सिर पर फिर से ऊर्जा भी भर देगा। हालांकि धन आपकी अच्छे सितारे तंग नहीं आने देंगे। घर का कुछ समय टलता आ रहा कामकाज आपको राहत देने के कार्य भी अवश्य कर सकता है। दोस्तों, थोड़ा सा कामकाज वक्त ले सकता है। जिंदगी में एक नया मोड आने वाला हो सकता है जो प्यार और रोमांस को नई दिशा देगा। निर्णय लेते समय अपने अहम को बीच में नहीं आने दें। अपने कनिष्ठ सहकर्मियों की बात को गौर से फरमाएं। जो लोग घर से बाहर रहते हैं आज वह अपने सारे काम पूरे करके शाम के समय किसी भी पार्क या फिर एकांत जगह पर आज समय बिताना पसंद कर सकते हैं।
हाँ जी हाँ, आज के दिन उमदा में घिर जाने का होगा क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव कर सकोगे, धन संपत्ति में वृद्धि कर सकोगे, भूमि भवन मकान की प्राप्ति कर सकोगे, तो कई सारी खुशियां आप लोगों के जीवन पर आएंगे। आज प्रेम के जादुई दुनिया में होंगे। यूँ तो आज आर्थिक पक्ष भी अच्छा रहेगा, लेकिन आज के साथ ही उनसे ध्यान भी रखना होगा कि आप अपने पैसों को व्यर्थ में खर्च न करें। जी हाँ, कन्या राशि के लोग आज की सुबह किसी भी पुराने दोस्त से अचानक से मुलाकात संभव हो सकती हैं, जिसके चलते पुरानी यादें खुशनुमा ताज़ा हो सकती हैं। आपके जहन में काम का दबाव हो जाने के बावजूद आज आपके प्रिय आपके लिए खुशी के पलों को लाएगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। जी हाँ, आज आपकी तरक्की साफ नजर आएंगे। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों के लिए अपने दोस्त के लिए टाइम नहीं है, तो मन को खराब जो है होने से आज मन खराब होने दीजिएगा। आज हो जाता है, आज भी आप मन की स्थिति ऐसी रह सकती है कि वैवाहिक जीवन में सब कुछ ऐसा महसूस होगा कि जीवन में कुछ बढ़िया होगा तो कुछ खराब परिस्थितियों का भी निर्माण होगा। गर्भवती महिलाओं को आज चलते फिरते समय खास रूप से ख्याल रखने की जरूरत रहेंगे। अगर संभव होता है तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपको धूम्रपान करते हैं, क्योंकि इनसे पैदा होने वाले शिशु को नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, आर्थिक जीवन की स्थिति आज के दिन अच्छी नहीं कही जा सकती है, मुश्किल आ सकती हैं। अपने घर के वातावरण में कुछ बदलाव करने से पहले आपको सभी किराए को जानने की कोशिश करनी चाहिए। रोमांचक दिन है क्योंकि आपको प्रिय आपको तोहफे उपहार दे सकता है। जो लोग विदेश व्यापार से जुड़े हुए हैं उन्हें मन मुताबिक रूप से फल मिलने की पूरी उम्मीद बन जाती है। इसके चलते आज ये नौकरी पैसा वाले लोगों से जुड़े आज के दिन इस राशि के जातक आज अपनी प्रतिभाओं का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कार्य क्षेत्र पर कर सकते हैं। जी हाँ, आज खाली समय में आज अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आपका जीवन साथी आज ऊर्जाएं और प्रेम से भरपूर रहेगा, जीवन के हर इच्छाओं को पूरा करेगा। मानसिक नैतिक शिक्षाओं के साथ शारीरिक शिक्षाएं भी लें, केवल तभी आप सूर्य के निष्ठ विकास संभव होंगे। याद रखें कि एक स्वास्थ्य शरीर में ही एक स्वास्थ्य दिमाग निवास करता है। घर में किसी भी फंक्शन हो जाने की वजह से आज आपको बहुत ही धन खर्च करना पड़ सकता है, जिसके कारण भी आप लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। अगर आप अपने सभी घरेलू कार्य को अनदेखा करते हैं तो कुछ ऐसे लोग नाराज हो सकते हैं जो आपके साथ रहते हैं। ज़िंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आपको अपने प्रिय को कम से कम वक्त के लिए भूलना पड़ेगा। किसी खर्चीले काम की योजना में हाथ डालने से पहले ठीक से तरह से सोच विचार कर लेने हैं। अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो सभी ज़रूरी दस्तावेज साथ रखना ना भूलें। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई तोहफा खास रूप से आपको किरण कर सकता है, मन को खुश करने में आपकी मदद कर सकता है, मदद रख सकता है, तो जीवन के हर प्रकार की इच्छाएँ आप सभी के पूरी होने की संभावना हो सकती हैं। कार्य क्षेत्रों में वृष्टों का दबाव घर के अनबन के चलते आपको तनाव का सामना भी करना पड़ सकता है, जो काम में आप लोगों की एकग्रताओं को भंग कर सकता है। यदि आप किसी से उधार वैसा मांग रहे हैं तो आज हुआ तो आप सभी की बात को टाल रहा था, तो आज बिना बोले ही आपको पैसा लौटा सकता है। अपने घर परिवार के सदस्यों की जरूरतों पर आप ध्यान दे रहा आज आपकी पहली प्राथमिकताएँ होनी चाहिए। शाम के लिए कोई खास योजना बनाइए, कोशिश कीजिए यह ज़्यादा से ज़्यादा रोमानी हो सके। जी हाँ, जो कला और वंचक रंगमंच आदि से जुड़े हुए हैं उन्हें आज अपना कौशल दिखलाने के लिए कई मौके मिल सकते हैं। दूसरों की राय को गौर से सुने, अगर आप कई फायदा चाहते हैं तो अगर आप जीवन साथी से चुने की आशा करते हैं तो यह दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। आप सभी कन्या राशि के लोगों के लिए दिन